हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जायडस वेलनेस लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको, वीडियो को आप एंड तक देखना। एंड में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊंगा इस स्टॉक के बारे में। तो 52 वीक का हाई है 1814, 52 वीक का लो है 1370, क्वान्टिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 5283, डिलीवरी क्वांटिटी 2651, डिलीवरी परसेंटेज 50.18%, डिलीवरी परसेंटेज सही है। zydus wellness.com ये है इस कंपनी की वेबसाइट, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। मार्केट कैप है 9260 करोड़ की, डेट है 216 करोड़ का, प्रेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं प्रमोटर्स की, लास्ट थ्री क्वार्टर में 65.14 से 65.36, ये बड़ी है। FIIs 2.38 से 3.83, ये भी बढ़ चुकी है। DIIs 25.11 से 23.35, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुई है। पब्लिक यानी रिटेलर्स 7.37 से 7.46। लास्ट थ्री क्वार्टर की कंपेरिजन करें तो यहाँ से ये सितंबर मंथ का जो क्वार्टर था वहाँ पे बढ़ी है, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। ओवरऑल देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। बात करते हैं चार्ट पे, तो ये है वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में आर एस आई 41, ये है वनडे का चार्ट, वनडे के चार्ट में आर एस आई 51, और ये है वनआर का चार्ट, वनआर के चार्ट में आर एस आई 54। ओवरऑल तीनों चार्ट में आर एस आई सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसी स्टॉक का, अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 2480 के आसपास में है, लेकिन अभी 52 वीक का जो हाई है वो 1814 है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1454 के आसपास में। तो ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टॉक लास्ट के फाइव वीक से कहीं भी मूवमेंट नहीं दिया, ऊपर ये नीचे ये, इसने एक रेंज बना दी है। अब या तो रेंज यहाँ से ऐसे ब्रेक होगी या ऐसे ब्रेक होगी, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, तभी वीडियो का टाइटल रेंज ब्रेकआउट है। रेंज ब्रेकआउट यहाँ से स्टॉक दे सकता है। वनडे के चार्ट में बात करते हैं, वनडे के चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद से फिर से उसके लो के पास आ गया, फिर से बुलिश कैंडल, फिर से धीरे धीरे लो पे आ गया। अब यहाँ से बुलिश कैंडल, अब क्या ये लो पे आएगा, क्योंकि जो ये सॉरी डे है, इस डे में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बियर्स हैं वो इसको नीचे लेके नहीं आ पा रहे हैं, बुल्स हैवी हैं, और यहाँ पे स्टॉक ने लगातार तीन कैंडल जो है वो ग्रीन बना दी, यहाँ पे एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनाई है इस स्टॉक ने, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब मैं आता हूँ वन आर के चार्ट में, वन आर के चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से अपसाइड गया, उसके बाद से कंसोलिडेट किया, अब इसने यहाँ की जो रेंज है वो ब्रेक कर दी नीचे की साइड। अगर ये स्टॉक नीचे आता है और भी, तो ये स्टॉक जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था ये एक सपोर्ट एरिया है इसका, 1425 बोल सकते हो या 1426, 1425 से 1426 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। उसके बाद से स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज क्या होगा, जब ये स्टॉक यहाँ से निकल रहा था इसने अपना ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, अब ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया, ये वापस इस सपोर्ट पे आ गए, फिर उसके बाद वापस जाएगा। तो अभी यहाँ पे स्टॉक नीचे आ सकता है, तो 1425 1426 के आसपास तक आ सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, तो ऊपर 1480 ये जो रेंज है, ऊपर 1480 की रेंज है, इसको पहले ब्रेक करने दीजिए। वीकली चार्ट में 1480 है ऊपर का जो रेंज है, ये रेंज अगर ब्रेक करती है तो आप एंट्री ले सकते हो। हाँ, अगर ये स्टॉक नीचे आता है, जैसे वन आर का चार्ट में दिख रहा है इसने ये रेंज बनाई यहाँ पे और रेंज ब्रेक कर दी नीचे, 1425-26 आता है यहाँ पे, आप फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं, उसके बाद से आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे जो ऑल टाइम लो है, ओ सॉरी 52 वीक का जो लो है 1370 के आसपास ये हो जाना चाहिए। तो अगर ये 1480 अपसाइड निकल जाता है तो आप बाय कर सकते हो, अगर नीचे आता है, बना के चार्ट में लग रहा नीचे आएगा, तो 1425 के आसपास, ये दो रेंज आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद से आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं इस स्टॉक में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है। वन वीक के चार्ट में अगर आप देख रहे हो 2480 से 1370 के आसपास का लो लगा दिया, अभी 1454 चल रहा है, 50%
कह सकते हो या 45% कह सकते हो, इसके डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है स्टॉक। तो यहां से अगर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक के अपसाइड के टारगेट 1530, 1580, 1630, यहां तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। आपको एक अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक जनरेट करके दे देगा, बिकॉज यहां से अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक बहुत जल्दी 1530 ही पहुंच जाएगा, हो सकता है 1580 ही पहुंच जाए, क्योंकि ये इसके ऊपर के रेजिस्टेंस है। अब मैं आ जाता हूं जो मैंने सुबह में बोला था कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप मंथली चार्ट इसका देखेंगे, मंथली चार्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक साफ सेलिंग हुई, फिर एक पुल बैक हुआ, अब एक सेलिंग हुई, हो सकता है एक पुल बैक अपसाइड हो, राइट, 1580 तक, उसके बाद से फिर स्टॉक नीचे आए। तो नीचे स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे 1370 तो यहाँ पे है, उसके बाद से ये स्टॉक ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि और कितना नीचे आ सकता है, बिकॉज अगर ये नीचे आएगा तो मेरे हिसाब से 1320 के आसपास तक अगर ये आ सकता है नीचे, बिकॉज यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रही होंगी, अगर पीछे मैं लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पे 1320 के आसपास में इसका एक गैप भी पेंडिंग है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है थोड़ा सा, हो सकता है इसको भी फिल करने आ जाए 1320 के आसपास तक। हाँ, लेकिन अगर ये स्टॉक अपसाइड में निकल जाता है रेंज ब्रेकआउट करके, तो फिर ये 1580 तक आप इस स्टॉक को इजीली होल्ड कर सकते हो, यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक जनरेट करके दे देगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जगह ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।